So finally we reached the water park. So hello guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? This is day 2 vlog जो कि है pool party का. तो आगे आप लोग देखेंगे pool party में कैसे enjoy करें हम लोग बच्चे भी. यहाँ पे फैमिली के बाकी मेंबर्स भी रहेंगे तो मैं शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहन सकती तो इसलिए गाउन पहना है एक. सो पूल में जाने से सबको पता है बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं, स्किन भी बहुत ख़राब हो जाती है, तो मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ एंड सनस्क्रीन लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और हेयर ऑयलिंग से बाल थोड़े सेफ हो जाते हैं. और ये हम लोग सब रेडी हो गए हैं ऑयल लगा के एंड प्रॉपर शॉर्ट्स वगैरह पहन के. फोटो ये हेलो कहाँ जा रहा है कानू? वाटर पार्क जा रहे हैं. स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल. सो वी आर गोइंग टू वाटर पार्क. अरे मेरी भाभी है. ये भगवान मैं पहचानी नहीं गई तो मैं बोल रही कौन सा मोड़ कहाँ जा रहे हो? वाटर पार्क. वहाँ क्या करेगा? स्लाइडिंग है, बहुत सारे राइड्स हैं. इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर वाटर पार्क. एक बार गए हम लोग पहले भी वाटर पार्क, बट चिकू थोड़ा छोटा था 2 साल पहले एंड बहुत इंजॉय करते हैं. चिकू को नींद आ रही है. सो फाइनली वी रीच्ड द वाटर पार्क. चिकू कानू कानू देख चप्पल चप्पल बड़ी लग रही है, चल नहीं पा रहे. नहीं नहीं कैसे कर रहे हैं पैर को? मस्ती कर रहा है मिट्टी के साथ. चीनी मेन एंट्रेंस जो है वहाँ पे बैंड लग रही थी लाइक दिस, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया वहाँ पे 5 to 10 minutes. एंड ये है वाटर पार्क. बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे. मैं दिखाती हूँ कहाँ है चीनी एंची को. चले गए वो लोग पानी में. सी वो है चीनी एंची को. सो वहाँ पे ये सब जो प्रॉप्स हैं लाइक हैट ग्लासेस एंड माला और स्कर्ट वगैरह जो रहती है पूल पार्टी के लिए एंड लाइक गोवा बीच पे जैसे मिलता है उस टाइप के प्रॉप्स बहुत क्यूट क्यूट एंड कलरफुल अवेलेबल थे वहाँ पे. तो हम लोगों ने सबको वेयर किया एंड बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करी. देखिए बहुत क्यूट लग रहे थे बच्चे भी. एंड ये मैं बहुत वो एकदम बीच वाला वाइब्स आ रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था एंड सब कलरफुल लग रहे थे. सबने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया एंड हम लोगों ने तो बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई. ये है मेरे हस्बैंड और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्लासेस एंड हैट्स थे और एकदम फन वाला मूड था सबका. और ये है मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड. और ये बहुत प्यारी पिक्चर है चीकू की बटरफ्लाई के साथ एंड थैनोस. एंड दिस पिक्चर इज़ माई फेवरेट जो कि है अंडर वाटर की. देखिए चीनी चीकू कितने क्यूट.
तो आपने देखा चीनी एंड चीको कितनी मस्ती कर रहे थे एंड डांस में लगे थे, सबने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। एंड ये है ब्राइड एंड ग्रूम जिनकी और ये स्पेशल एंट्री, एंड कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैंने साउंड को एडिट कर दिया है। बट काफ़ी वहाँ पे सॉन्ग्स बज रहे थे एंड रेन डांस था तो काफ़ी डांस वगैरह किया हम लोगों ने एंड बहुत सारे राइड्स, बहुत मस्ती करी एंड स्नैक्स थे। तो मैं ये कंप्लीट व्यू दिखा रही हूँ आपको, देखिए इस तरह से बहुत सारे जैसे नॉर्मल वाटर पार्क में होता है वैसे ही बहुत इंजॉय करे एंड इतनी गर्मी में। एंड काफ़ी तेज़ धूप हो गई थी, 12 बज रहे होंगे, बट बहुत इंजॉय करे, गर्मी का इतना पता नहीं चल रहा था वहाँ पे। और डेकोरेशन वाज आल्सो वेरी गुड एंड स्पेशली बच्चों के लिए बहुत फन था, बहुत सारे राइड्स एंड मस्ती। एंड समर वेकेशन में बेस्ट है बच्चों को वाटर पार्क में इंजॉय कराना, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और ये है स्नैक्स वाला काउंटर जो स्टॉल टाइप का बना हुआ था, देखिए सब लोग सब अतरंगी कपड़े में दिख रहे हैं आपको, सब कोई एकदम बीच वाले मूड में थे। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे पिक्चर्स नहीं ले पाए हम लोग क्योंकि फ़ोन एंड कैमरा वगैरह सब ख़राब हो जाता पानी में, क्योंकि रेन डांस एंड पूल में बहुत टाइम तक थे हम लोग वहाँ पे। और वेव पूल जो रहता है वहाँ भी काफ़ी इन्जॉय करें, एंड गेम्स वगैरह भी थे, बट गेम्स तो कुछ खास नहीं थे, जस्ट ऐसे ही थोड़े बहुत थे लोगों को एंगेज करने के लिए। तो इतना मुझे तो पसंद नहीं आया गेम, क्योंकि कुछ पासिंग द हैट टाइप का गेम था, हैट को पास करना, एकदम सिंपल सा गेम था। बट वहाँ पे पानी में खेलना बहुत ज़्यादा इन्जॉय करे। और सब कोई बहुत ज़्यादा टैन हो गए थे, आप देखोगे अभी के पिक्चर्स, अभी सब इतने अच्छे लग रहे हैं, बट जब वापस आए हम लोग तो एकदम हालत ख़राब थी, सब काले लग रहे थे एकदम, सनस्क्रीन लगाने के बाद भी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी, तेज़ वाली धूप थी। एंड बाकी और भी फंक्शंस थे शादी के जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, ये वाली व्लॉग काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसमें सिर्फ पूल पार्टी को मैंने इंक्लूड किया है। ये सब रिलेटिव्स बैठे हैं, फ्रेंड्स बैठे हैं, एंड ये है मेरी सिस्टर इन लॉ, एंड ये बैठी हूँ मैं। देखा आपने गर्मी में हालत ख़राब हो रखी थी तो थोड़ा सा शेड में आके बैठी थी मैं। और एंड आफ्टर इन्जॉइंग अबाउट 2 to 3 hours हम लोग जा रहे हैं बैक टू होटल, और सब बुरी तरह से टैन हो चुके हैं एंड टायर्ड हो चुके हैं इतनी मस्ती करने के बाद, और बच्चे इतनी ज़्यादा थक गए हैं कि वो बैठे बैठे सो रहे हैं, देखो कितने टायर्ड हो गए हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आने वाला है शादी वाला व्लॉग। सो बाय।